You are watching NTTV News, News Telangana Television. दरअसलाम हमारे बाबा की जागीर है, अब अपना कब्जा हो गया, अब इनका आखिरी वक्त आएगा, ये छोटे लेके फिर रहे, इनको फेरी खुद चिपकाएंगे, इनको बिठा देंगे, यानी मुसलमान तो मजलिस की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ। एक आदमी को मैंने चार महीना के बाद पूछा कि तुम जैसे ही गाड़ी रुकी करे, उसने कहा हमारे बाबा इनके बाबा को देख के नारे तकबीर पुकारते थे, हमारे दादा इनके दादा को देख के नारे तकबीर पुकारते थे, हम इनको देख के नारे तकबीर। देश के तशरीफ फरमाए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज हिंदुस्तान से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना है और बर्खास्त करना है तो पार्लियामेंट के अंदर 270 एमपी से बढ़ के लाना है। जो 270 पार कर सकती वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, याद रखिएगा। इनको क्यों हटाना है? और जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और उर्दू में दस्तूर, ये लोकतंत्र संविधान आज खतरे में है। नफरत की पॉलिटिक्स हो रही। नरेंद्र मोदी जो भी वादे किए, एक मैनिफेस्टो होता जिसपे आवाम से वादा होता कि आने वाले 5 साल हम ये आवाम के लिए करके देंगे। नरेंद्र मोदी जो वादे किए एक भी पूरा नहीं करे। 2 करोड़ नौकरी साल को देता हूं बोले, 15 लाख रुपए आप और हमारे अकाउंट में ब्लैक मनी लाके अपने अकाउंट में डालते बोले। ब्लैक मनी तो लाए नहीं, मगर जिसके पास ब्लैक मनी था, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, चौकसी, ये पूरे को हिंदुस्तान से भगा दिए। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी लाके जो 400 कारोबार बंद हो गए, लोगों के ऊपर टैक्स का वजन डाल दिए, नौकरी तो नहीं दिए, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, कश्मीर का इशू सही टैकल नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी किए एक भी वादा मुकम्मल नहीं करे। हर टाइम जुमले पे जुमला, और आप लोग सबको ताजी होगा एक बात सुन के, हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको एक मैनिफेस्टो रहता, के पास मैनिफेस्टो नहीं रहता। कभी तो सुने हम आने वाले 5 साल में मैं इतने स्कूल लाऊंगा, इतने हॉस्पिटल लाऊंगा, इतने गरीबों को घर दूंगा, कब तो भी डेवलपमेंट का सुने आप, खवातीन को स्किल डेवलपमेंट करा के लोन दूंगा, कब तो भी सुने आप। एमआई पार्टी की सोच ये है, ना रहे बांस ना बजे बांसरी, खाली आओ। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, मोदी ये पता करना। और आज हैदराबाद क्या हुआ,
ब्लैक लिस्टेड हो गया, किसी को लोन नहीं मिलता, किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। और वो हैदराबाद के आजू बाजू घर खोल के देखिए, आप बाजू देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इधर देखिए आईटी सिटी, बाजू देखिए साइबराबाद, इधर फिल्म सिटी, इधर फार्मा सिटी, शहर का हर एक एरिया डेवलप हो रहा। ओल्ड सिटी क्यों नहीं डेवलप हो रहा साहब? आप लोग सोचना इस बारे में। खवातीन मेरे सामने आते और बोलते, फिरोज भाई गवर्नमेंट स्कूल सही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो 40,000 रुपए साल को होते, एक दवाखाना सीधा नहीं है। उस्मानिया की हालत देखिए आप, एक्सरे मशीन, एमआरआई, गोलियां कुछ होते रहता, क्योंकि फीस और एक्सरे स्कैनिंग के लिए कितने पैसे होते। हमारे पास जाति घर नहीं है, हमारे पास दैनिक बहते रहता, पानी आता नहीं, आया तो मैला पानी आता, कोई पुरुषा ने हाल नहीं है, हमारे को लोन कोई नहीं देता। और शादी मुबारक का एप्लीकेशन हम डाले तो 100 में 10 ही सेंक्शन होते। आज का जो साइबराबाद का जिक्र कर रहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर से वापस आपकी जमीन रहती तो 20 साल पहले अगर से आपके वालिद या वालदा आपको दे, आप बोलते मैं सन्यासी हूं, और ये सन्यास नरेंद्र मोदी पिंक पिंक गोरा गोरा हो जा रहा। नरेंद्र मोदी खाली देश बेचने का काम करता, खुद को बोलता मैं चौकीदार हूं। अरे साहब, हमारे को प्रधानमंत्री होना कोई चौकीदार नहीं, चौकीदार नेपाल में इससे अच्छा मिलता, कहीं को हमारे को ये चौकीदार। ये रही बात बीजेपी की, रहो मैं अपने स्टेट को आ जाता हूं। मोदी है ये पूरे दुनिया का नंबर वन फेकू है, नंबर वन झूठा, नंबर टू पे आता हमारे केसीआर साहब। केसीआर साहब के भी जितने वादे हैं मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक तो भी वादा पूरा हुआ? 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देता हूं बोले, आप बोलिए मिला क्या? केजी टू पीजी पढ़ाता हूं बोले, पढ़ रहे हम अपने केजी टू पीजी, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दिलाता हूं बोले, हैदराबाद को और अपने ओल्ड सिटी को, सिंगापुर इस्तांबुल बनाता बोले, 5 साल से मुख्यमंत्री है, एक टाइम ओल्ड सिटी का दौरा नहीं करे। हेलो, मक्का मस्जिद के धमाके के लोग बच गए, मुस्लिम बच गए, आप खामोशी अख्तियार करके हैं। आलेर का एनकाउंटर, उसकी इंक्वायरी नहीं बिठाते, नौकरियां देते बोले नौकरियां नहीं दिए, लोन देते बोले लोन नहीं दिए, रोडा ड्रेनेज पानी खड़ा एक भी नहीं करे। ये है हमारे केसीआर साहब, नंबर टू पे आते हैं, नंबर थ्री में से 7 जवान है यहां पे, और वो जवान के पास ख्वाब है, जोश है, उम्मीद है, हुनर है, मगर अफसोस इस बात का आप लोग के पास मौका नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह
मेरी युवा पीढ़ी को हम मौका दिलाएंगे इंशाल्लाह। जब 60% जवान है तो वो कैसा हुआ सब, ओल्ड सिटी बोल के छोड़ दिया उसको। और सबसे बेहतरीन काम जो कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान करने वाले हैं वो ये है, इंशाल्लाह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते ही हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, बने बाद हैदराबाद को हिंदुस्तान का सेकेंड कैप्टन बनाएंगे, सेकेंड कैप्टन। आप बोलेंगे सेकेंड कैप्टन बनाने में क्या फायदा है फिरोज भाई, जब सेकेंड कैप्टन बनता अंबेडकर जी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, जब बोले जब नॉर्थ में दिल्ली है तो साउथ में एक जगह देखो जो सबसे बेहतरीन है, कोई भी अटैक दिखाना है हमारे स्कूल हॉस्पिटल घर रोड ड्रेनेज पानी हर किसी को डेवलप करना है तो पैसा होना, तो पैसा होना तो फिरोज खान सेकेंड कैपिटल हैदराबाद में लेकर आएगा। और इसके अंदर और एक एक है देखेंगे, एक मिनी इंडिया है, वेस्ट बंगाल के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, कर्नाटक के हैं, तो एक ये मिनी इंडिया है और हर चीज हो सकती जब आप आवाम का भला चाहते, हर चीज इंसान सोचता एमआईएम से, और एमआईएम पार्टी को आज कोई मजबूत बनाई तो वो कांग्रेस पार्टी, दारुसलाम दी कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर ली कि हम एमआईएम का साथ छोड़ दिए, अब हम आवाम को मजबूत करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर ली। आपको मेरा चेहरा नहीं बताऊंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में, महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में, इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद।